हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देख सकते हो मैं निकल रहा हूँ भाई सुबह सुबह काम पे। देख सकते हो सुबह के 7 बजे ना, रात को भी लेट ही जाता हूँ और सुबह भी जल्दी जाता हूँ। देखो दो ऑटो वो खड़े हैं सामने और दो ये खड़े हैं, चार दो वो खड़े ना, और ये मेरा पास पाँचवा, यानी कि सबसे पहले मैं ही जाता हूँ ऑटो लेके भाई, और रात को भी लेट ही जाता हूँ क्योंकि भाई काम धंधा नहीं है ना, इसीलिए तो जल्दी जाना पड़ेगा, लेट आना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे का अलार्म लगा दिया था मैंने। और गाड़ी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि भाई ऑटो की झाड़ी निकालना और गैस का खर्चा निकालना, 1000-1200 रुपये कमाना बड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि किसान का आंदोलन चल रहा है ना दोस्तों, इस चक्कर में। तो दोस्तों अभी हुआ है, गाड़ी साफ कर ली है मैंने, ठीक है गाड़ी साफ कर ली है और निकलते हैं काम पे। जितना भी ब्लॉग होगा ना, जितना भी पूरा पर ब्लॉग दिखाऊंगा, कितना खाना खाया, कहाँ कहाँ गया, कितना कमाया कितना नहीं कमाया, सब दिखाऊंगा मैं आपको। अभी जो है निकल लेते हैं, देखते हैं ओला उबर की कहाँ की ड्यूटी बचती है कहाँ की ड्यूटी नहीं बचती है, पूरा अपडेट करेंगे, पूरा बताएंगे आपको। अभी सुबह सुबह निकल लेते हैं काम पर और मिलते हैं रास्ते में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस समय मैं लक्ष्मी नगर आ गया हूँ भाई, 12 बज रहे हैं। आनंद विहार से ड्यूटी मिली थी मेरे को वजीराबाद 300 रुपये की, 300 रुपये में फिर लक्ष्मी नगर आ गया हूँ। देख रहे हो सामने लक्ष्मी नगर मेट्रो है, सीधा लक्ष्मी नगर निकल जाएगा, ये ITO से आ रहा रास्ता, ये सीधा लक्ष्मी नगर निकल जाएगा। तो दोस्तों मैंने सोचा भाई 12 बज रहे हैं, रोटी में लेके आया था, मेरे पीछे ठेली देख रहे होगे आप, तो ठेली से मैं छोले ले लेता हूँ 10 रुपये के। रोटी रोटी लाया था, यानी कि सब्जी नहीं लाया था, चटनी है और रोटी है, और 10 रुपये के छोले ले लेता हूँ भाई से। ये देख रहे हो छोले बेच रहे हैं वो सामने, छोले कुलचे, तो 10 रुपये के छोले लेते हैं और खाना खा लेते हैं और दिखाते हैं भाई, खाना खा के फिर काम करेंगे अपना। ये छोले ले लेते हैं इनसे भाई साहब से। भाई साहब छोले दे दोगे 10 के? देना ये सब्जी है क्या, दाल है क्या है? भाई साहब वो रख दो थोड़ा सा अचार या मिर्च, अचार रख दो इसमें। ये लो हरी मिर्च ले लेते हैं भाई, हरी मिर्च अच्छी लगती है। ये ले लिए भाई छोले, और चलो भाई खाएंगे छोले के साथ रोटी। रोटी जो है हमारी भाई, हमारे पास थी रोटी, यानी कि ये रही रोटी, रोटी हमारे पास है और चटनी भी है इसमें। चटनी में से तेल निकल गया, तेल समझ रहे हो, तेल निकल गया, यानी कि ये चटनी भाई, चटनी अच्छी लगती है, सारी सब्जी फेल है चटनी के सामने, समझ रहे हो, चटनी के सामने सारी सब्जी फेल हो जाती है भाई। मैं तो जो है ना भाई, बाहर जो है सब्जी क्या लूँ क्या ना लूँ, तो चटनी से अच्छा कोई सामान नहीं होता, क्योंकि ये देखो भाई चटनी, देखो भाई चटनी, चटनी देख लो, ये चटनी है, चटनी से स्वाद भैया इतना आता है, इसके साथ में मठार हो जाए ना मजा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मठान मिलेगा नहीं, अंदर दुकान होती है ना। और भाई से 10 रुपये के छोले भी ले लिए थे मैंने, तो मैंने सोचा भाई छोले और चटनी के साथ में खाना खा लेते हैं। जितना स्वाद छोलों में नहीं आ रहा, इतना स्वाद मेरे चटनी में आ रहा है। खाना खा लेते हैं,
खाना खाते समय बोलते नहीं है, खाना खा के फिर वीडियो बनाएंगे, देखते हैं कितना काम करेंगे कितना काम नहीं करेंगे, देखते हैं। खाना खाए भाई, ठीक है, बाय। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस समय आनंद विहार। पहली ड्यूटी मुझे आनंद विहार की मिली थी भाई, समझ रहे हो, देख रहे हो लोकेशन हमारी, ये देखो सारे ऑटो जितने भी ऑटो है ना यहाँ पे पार्किंग ऑटो वालों की अलग ही मिलेगी। देखो ये देखो कितने हजारों की तादाद से ऑटो खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखो मेरा ऑटो ये रहा, ये देखो सारे ऑटो यहीं पर मिल जाएंगे भाई तुम्हें, ये देखो। और सबसे बड़ी बात है तिरंगा बहुत अच्छा लगता है भाई, हर दिल्ली में जो है ना हर जगह तिरंगा लगा दिए गए तो अच्छे लगते हैं। और भाई 250 रुपये की ड्यूटी मिल गई थी सुबह सुबह ओला से ना, तो ओला से मैं ड्यूटी लेके आ गया हूँ सुबह सुबह आनंद विहार। और भाई शुरुआत में दिन तो बढ़िया होने वाला है, शायद बहुत ही बढ़िया हो गई है तो दिन भी बढ़िया ही हो जाएगा, समझ रहे हो। अभी यहाँ पर ट्रेन आने वाली है, मैंने मैप पे देखा, मतलब गूगल पे सर्च करा था, ट्रेन आने वाली है और देखते हैं भाई ड्यूटी कहाँ की मिलेगी कहाँ की नहीं मिलेगी। वीडियो पूरा देखना, जो भी है जितना भी कमाऊँगा जितना भी पूरा अपडेट करूँगा, समझ रहे हो। अभी मैं सवारी देख लेता हूँ, ट्रेन आ गई है, फिर मिलते हैं आपको, देखते हैं कहाँ की ड्यूटी मिलती है कहाँ की ड्यूटी नहीं मिलती है, समझ रहे हो। चलो तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी पूरे दिन ऑटो चला के, भाई देख सकते हो एयरपोर्ट गया था सुबह, एयरपोर्ट से खाना खाया, खाना खाने के बाद में भाई ब्लॉग शूट नहीं हो पाया क्योंकि सवारी मिलती गई, काम बढ़िया हो गया था, मतलब कहने के ये 1500-1600 रुपये का काम हो गया मेरा, आज बहुत दिनों के बाद में हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और सुबह भी कल सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि भाई किस्त देनी है ना, टाइम आ गया किस्त का। तो भाई ब्लॉग पूरा देखना, एंड तक देखना और ये बता दिया करो कमेंट करके भाई मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ कहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अभी ये जो लाइट चल रही है ना, देखो ये देखो लाइट चल रही है ना, तो मैंने सोचा भाई कहीं पूरे रास्ते ब्लॉग मेरा बना नहीं है तो लास्ट में जो है बता देते हैं कि भाई मैं इस समय ऑटो चला के आ गया हूँ। और देख सकते हो मैं लीड का ही इस्तेमाल करता हूँ भाई, माइक तो है नहीं, मतलब माइक तो है लेकिन फ़ोन नहीं है, तो जल्दी मेरा फ़ोन भी आएगा। आई खरीदना है तो मेरे को आईफोन खरीदना है भाई, इससे पहले कोई फ़ोन नहीं खरीदूंगा, ये बात की कहते हैं, इसी से ही गुजारा करूंगा, समझ रहे हो। इस वाली लीड से गुजारा कर रहा हूँ, इस वाले फ़ोन से गुजारा कर रहा हूँ और आएगा तो फ़ोन ही आएगा 13 प्रो, कितने क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। तो अभी जो है ना फिलहाल में ये है दोस्तों, यूट्यूब पर अभी थोड़ा सा टारगेट रह गया, बस चैनल मोनेटाइज होते ना सीधा हम फ़ोन ही लेंगे, सबसे पहले आईफोन ही, 1.5 लाख का 2 लाख का जितने का भी आएगा, अभी फ़िलहाल में इससे गुजारा कर लेते हैं। फेसबुक का चैनल तो मोनेटाइज हो गया लेकिन डॉलर बनना शुरू हुआ है, लेकिन 100 डॉलर बन जाएंगे ना उसके बाद में ही पेमेंट आएगी हमारी। तो दोस्तों पूरा ब्लॉग देखना और जो भाई पूरा देख के कमेंट करके बताएगा ना कि भाई आप गलती यहाँ करते हो, एडिटिंग में करते हो, थंबनेल में करते हो, ये है वो है, तो मैं समझूंगा कि भाई वीडियो पूरा देख रहे हो, ब्लॉग पूरा देख रहे हो, ठीक है। दोस्तों ब्लॉग पूरा देखना, कल का ब्लॉग कल देंगे, आप जय हिंद जय भारत बोलते हैं, ठीक है, बाय।